हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 142 एंड ओपन योर नोटबुक। राइट हेडिंग, हाउ बिग कैन यू गेट, ये हेडिंग डालो। उसके बाद देखो, आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ 1.82 मीटर डिफरेंस इन साइज। तो फर्स्ट करके ये क्वेश्चन लिखना है, डिफरेंस इन साइज। तो आप क्या करना है, 1.82 में से 1.52 माइनस करना है। देखो, डिफरेंस इन साइज 1.82 माइनस 1.52, 0, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3, यहाँ पे पॉइंट और 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब 0.30 मीटर। उसके बाद डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी करके लिखो, ये ए वाला था, ओके, ये का ये फर्स्ट और ये सेकंड था। अब बी करके लिखो, यहाँ पे यू हैव के जगह आपको लिखना है दिनेश हैज़ टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। वॉट, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है, वॉट इज दिनेश हाइट इन मीटर्स, मीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या करना होगा, 2 मीटर में से 45 सेंटीमीटर माइनस करने होंगे। सो 45 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.45 मीटर। 2.00 मीटर माइनस 0.45 मीटर, मीटर 0 में से 5 कट नहीं होगा, 10, 9 और 2 की जगह पे 1, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 0.1, 1.55 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चन 1 करके लिखना है, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। फ्लावर करके ये क्वेश्चन लिखना है, हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज इन एनी अदर कंट्री, क्या आपने देखा है नोट्स और कॉइन्स जो दूसरे कंट्री में यूज़ होते हैं, यूज़ इन एनी अदर कंट्रीज। तो यस, आपने देखा ही होगा। सो लिखो, यस आई हैव सीन द नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ओके। उसके बाद क्या है, सीवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो एज हाउ मेनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे मनी है, यहाँ पे कंट्री है और यहाँ पे चेंज इनटू इंडियन रुपीज़ है, तो हमें उस पर से क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये करके क्वेश्चन लिखो, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। सो यहाँ पे देखो किसका ज़्यादा है, क्या है, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मनी इन इंडियन रुपीज़, कॉस्ट द मोस्ट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा है इंग्लैंड का, 86.63। तो क्या लिखोगे आंसर, द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। उसके बाद बी करके क्वेश्चन लिखो, मिथुस अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर्स एज अ गिफ्ट, मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। यहाँ पे टेबल में देखो, यूएसए डॉलर का कितना है, 65.29 और कितने डॉलर से 10, तो हम क्या करेंगे, ये 1 डॉलर का है तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। देखो, मनी रिसीव्ड बाय मिथुन फ्रॉम हिज अंकल 10 यूएसए डॉलर, मतलब 10 मल्टीप्लाई 65.29, तो कितना आ जाएगा, 0, 1, 9 ज़ा 9, 1, 2 ज़ा 2, 1, 5 ज़ा 5, 1, 6 ज़ा 6। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते हैं, 652.90 रुपीज़, अब ये रुपीज़ में हो गया। और मिथुन यूज 350 रुपीज़, उसने इतने यूज़ किए हैं, तो मनी स्पेंट ऑन स्कूल ट्रिप इज इक्वल टू 350 रुपीज़। सो मनी लेफ्ट विथ हैम, उसके पास कितने बचे, सो उसके पास टोटल कितने थे, 652.90 माइनस 350 उसने ट्रिप में यूज़ किए हैं, सो 09.20 और 3 कितने बचे हैं, 302.90 रुपीज़, ओके।
उसके बाद सी करके क्वेश्चन है, मजीद्स फादर इज वर्किंग इन यूएई, ही गेट्स 1000 dirham एज सैलरी, कितने मिलते हैं 1000 dirham। अरुण्स फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका, जो अरुण्स के फादर वो श्रीलंका में वर्क करते हैं, वो गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीस के हिसाब से मिलता है, तो हु गेट मोर इंडियन रुपीस एज सैलरी। तो पहले देखो श्रीलंका का कितना है रुपीस 0.43, और उसके बाद डीराम यूएई का 17.79। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, तो सैलरी ऑफ माजिद फादर कितनी थी 1000 dirham थी, मतलब 1000 मल्टीप्लाई dirham का है 17.79, और यहाँ पे पॉइंट निकाल देते हैं, पॉइंट के बाद टू डिजिट है तो यहाँ पे हम 20 लगा देते हैं, तो 0000 कट हो जाएगा, तो 1779 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 0 1 9 1 7 7 1 7 7 और 1 1 1 17790 रुपीज़ ये माजिद फादर सैलरी हो गई। अब नाव सैलरी ऑफ अरुण्स फादर, तो उसके कितने हैं 2000 श्रीलंकन रुपीज़ के हिसाब से है, तो 2000 मल्टीप्लाई 0.43 ये टेबल में है, तो यहाँ भी पॉइंट निकाल देते हैं, तो 43/100 तो यहाँ भी 0 कट हो जाएगा, 43 मल्टीप्लाई 20 करना है, कितना आ जाएगा 860 रुपीज़। ओके सो हेंस माजिद फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ देन अरुण्स फादर। ओके किसकी ज़्यादा है, माजिद फादर्स गेट मोर इंडियन रुपीज़ देन अरुण्स फादर। नेक्स्ट डी है, लीना सांटी ब्राउट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 yuan, फाइंड व्हाट इज कॉस्ट इन इंडियन रुपीस। तो देखो चाइना का कितना है यून 9.83, तो 9.83 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 30, ओनली यही करना है, 1 yuan इज इक्वल टू 9.83 रुपीस, सो 30 yuan इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9.83 पॉइंट निकाल दिया है इसलिए अपॉन 100 कर दिया है, मतलब 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, अगर नहीं करना है तो आप 9.83 मल्टीप्लाई 30 भी कर सकते हो, 0 3 3 9 3 8 40 3 8 24 का 4 और 2 कैरी 9 3 27 प्लस 2 29, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 digit है तो यहाँ भी हमें पॉइंट के बाद 2 digit रखने हैं, तो क्या आ जाएगा 294.90 रुपीज़। उसके बाद ई करके आस्था वॉन्ट सम होंगकॉन्ग डॉलर्स एंड वॉन, फर्स्ट है हाउ मेनी वॉन कैन सी चेंज फॉर 4 rupees, पहले है हाउ मेनी वॉन सी कैन सी चेंज फॉर 4 rupees, तो पहले देखो कितना है किसका है वॉन होंगकॉन्ग, वॉन है 0.1 won इज इक्वल टू है 0.06, वन वॉन इज इक्वल टू है 0.06 रुपीज इज इक्वल टू 1 won, तो 4 rupees इज इक्वल टू 4/ क्या करेंगे 0.06 इज इक्वल टू 4 multiply, यहाँ पे डेनोमीटर का जो डेनोमीटर मतलब यहाँ पे हम पॉइंट निकालेंगे तो अपॉन 100 करेंगे, डेनोमीटर का डेनोमीटर नंबरेटर होता है, सो 4 multiply 100/6 इसे कट कर दो, 3 2 6 और 4 2 2 4, अब 200/3 करोगे कितना आ जाएगा 66.67 won। ओके उसके बाद हाउ मेनी वॉन कैन उसके बाद आपको ये सेकंड करके क्वेश्चन लिखना है, हाउ मेनी कैन वॉन कैन सी चेंज फॉर 400 rupees के लिए, तो देखो 4 rupees के लिए तो हमने फाइंड आउट किया कितना है 66.67 won, तो रुपीज़ 400 के लिए कितना होगा, तो 66.67 मल्टीप्लाई 100 66.67 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 4 का 66.67 है तो 400 का फाइंड आउट करना है इसलिए मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे पॉइंट निकाल देते हैं अपॉन 100 हो जाएगा, 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो 6667 won। ओके उसके बाद
थर्ड करके क्वेश्चन लिखना है, हाउ मेनी होंगकोंग डॉलर्स कैन सी चेंज फॉर 508 रुपीस के लिए। तो देखो होंगकोंग का डॉलर है 8.40, सो रुपीस 8.40 इज इक्वल टू 1 होंगकोंग डॉलर। तो हमारे पास कितने रुपीस है, 508, तो 508 अपॉन 8.40, यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100। डेनोमीटर का डेनोमीटर क्या आता है, नमरेटर, 508 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 840, 0 0 कट हो जाएगा। सो 5080 डिवाइड करना है 84, तो कितना आ जाएगा 60.47। ओके, होंगकोंग डॉलर के हिसाब से 60.47 होंगकोंग डॉलर। उसके बाद ये क्वेश्चन टू करके ये क्वेश्चन लिखना है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री करके लिखना है, विच सिटी इज कूल बॉयज, आई लाइव इन हिमाचल, देर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 सेल्सियस, समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजिस इन टू आइस। ये हिमाचल का टेम्परेचर 2 सेल्सियस है और कभी कभी जो पाइप है उसमें आइस हो जाता है। गर्ल्स सेस बट इन राजस्थान वेर आई लिव इन द टेम्परेचर रीच इज 48 सेल्सियस, हियर इट इज़ वेरी हॉट, वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर। सो वही विच सिटी इज कूल, ये दोनों में से कौन सा सिटी कूल है, तो कौन सा होगा, हिमाचल ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, द बॉयज स्टेट्स हिमाचल प्रदेश इज कूलर देन राजस्थान। ओके, द बॉयज स्टेट हिमाचल प्रदेश इज कूलर देन राजस्थान। ओके, थैंक यू।